रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, और प्लांट टिश्यू में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मेरिस्मेटिक या प्रविभाजी ऊतक के बारे में बात चल रही है, और हम पढ़ रहे हैं प्रविभाजी ऊतक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। मैं आज इसका भाग 5 लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू को पढ़ा था, उसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक होल प्लांट जो है वो प्लांट का जो डेवलपमेंट है वहां एक जायगोट से होता है ना, किससे होता है? जायगोट से होता है, और इस जायगोट में ऐसी कोई ना कोई कोशिका पाई जाती है जो विभाजन के द्वारा अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ऐसे ही कोशिकाओं का जो समूह है प्रोमेरिस्टेम कहलाता है या प्राक विद्योतक ऊतक कहलाता है। इस प्राक विद्योतक या मेरिस्टेम के द्वारा प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण हुआ, और इसी प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण किया जाता है, और यही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण करता है, द्वितीय विद्योतक ऊतक का निर्माण करता है, और यही द्वितीय विद्योतक ऊतक द्वितीय स्थायी ऊतकों का निर्माण करता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। ये सारी की सारी बातें जो है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्मेटिक का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, अर्थात स्थिति के आधार पर विद्योतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार से कार्यशील होते हैं, इसका वर्णन हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, स्थिति के आधार पर हम मेरिस्मेटिक टिश्यू को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट है शीर्षस्थ विद्योतक ऊतक, शीर्षस्थ विभाजी ऊतक, या जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा अंतःवृष्ट विद्योतक ऊतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरे प्रकार का जो ऊतक है वह कहलाता है पार्श्वी विद्योतक ऊतक या लेटरल मेरिस्टेम। चलिए इनको हम डिटेल में समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षस्थ विद्योतक ऊतक की या एपिकल मेरिस्टेम की। जैसा कि नाम से साबित होता है, शीर्षस्थ मतलब शीर्ष भाग पर, इसकी शीर्ष भाग पर जड़ तना अथवा उनकी शाखाओं के शीर्ष भाग पर अग्रभाग पर पाए जाने वाले विद्योतक ऊतक को शीर्षस्थ विद्योतक ऊतक कहा जाता है। यहाँ पर बात समझ में आनी चाहिए कि जड़ तना अथवा उनकी शाखाओं के अग्रभाग पर शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले ऊतक को हम शीर्षस्थ विद्योतक ऊतक या एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जनरली इसके अंतर्गत प्रोमेरिस्टेम तथा प्राइमरी मेरिस्टेम दोनों आते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन आ रहा है भाई, प्राइमरी मेरिस्टेम और प्रोमेरिस्टेम दोनों आते हैं। जनरली देखिए तो इस प्रकार के जो ऊतक हैं ये प्राथमिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो प्रारंभिक वृद्धि होती है उस प्रारंभिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऊतक है वो कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, विद्योतक ऊतक होता है, और ये जनरली पौधे की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्यों बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि चूंकि ये शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, आगे की ओर पाए जाते हैं, इस कारण से ये जब भी पौधे की वृद्धि करेंगे तो आगे की ओर करेंगे, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये शीर्ष भाग में जहां पर भी पाए जाते हैं उस स्थान को वृद्धि बिंदु या ग्रोमिंग पॉइंट कहा जाता है। जहां पर भी पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्रोमिंग पॉइंट कहा जाता है। अब एक बात क्लियर करके आपको ध्यान में रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम एक्चुअल में क्या है, प्राथमिक विद्योतक ऊतक ही होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि एपिकल मेरिस्टेम से तात्पर्य क्या है, कि ऐसे विद्योतक ऊतक जो पौधों के जड़ तना एवं अग्रस्त भागों के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं वो शीर्षस्थ विद्योतक ऊतक कहलाते हैं। चलिए दूसरे बात करते हैं अंतर्वृष्ट विद्योतक ऊतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए पौधों में मुख्य रूप से ऊतक दो ही प्रकार के होते हैं भाई, सीधी सी बात है कि विद्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। तो ऐसे विद्योतक ऊतक जो दो स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं, ऐसे विद्योतक ऊतक जो दो स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं अंतर्वृष्ट ऊतक कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि ऐसे विद्योतक ऊतक
जो दो स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं अंतर्विस्थ या इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। सीधी सी बात है। यहां पर एक बात, अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि भाई ये दो स्थायी ऊतकों के बीच में कैसे पहुंचे। जनरली होता यह है कि जो प्रविभाजी ऊतक होते हैं, भाई प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये जब विभाजन करते हैं और विभाजन करने के बाद क्या काम करते हैं, स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। लेकिन स्थायी ऊतकों के निर्माण करने के साथ साथ कुछ कोशिकाएं शेष बच जाती है और ये जो शेष बच जाती है यही क्या कहलाते हैं, अंतर्विस्थ विद्युतक ऊतक, क्योंकि ये तो स्थायी ऊतकों के बीच में आ जाते हैं। अब देखिए इस प्रकार के ऊतक जो है जड़ एवं तने के मध्य भाग में पाए जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना कि ये जड़ एवं तने के मध्य भाग में पाए जाते हैं, खास करके पत्ती के आधार के पास, जैसे ही पाइनसी, खास करके ये कहां पाए जाते हैं, पत्ती के आधार के पास या पर्वतसंधि के पास। अब पर्वतसंधि के पास तो जैसे घास, ठीक है, घास में हो गया, गन्ने में हो गया, बांस में हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये पर्वतसंधि के नीचे भी पाए जाते हैं, जैसे पुदीना या मेंथा में। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे विद्युतक ऊतक जो दो स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं ये अंतर्विस्थ ऊतक कहलाते हैं और ये जड़ एवं तने के मध्य भाग में पाए जाते हैं। अब एक बात खास तौर पर ध्यान रखना है कि यहां ऊतक भी पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है, ये भी पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जनरली अंतर्विस्थ ऊतक जो है वो अस्थायी होते हैं, टेम्पररी होते हैं और ये आगे चलकर स्थायी ऊतकों में परिवर्तित, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये टेम्पररी या अस्थायी ऊतक होते हैं जो आगे चलकर स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि घासों की लंबाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है, जो घास है उनकी लंबाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि वह कौन सा ऊतक है, अंतर्विस्थ ऊतक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि अंतर्विस्थ विद्युतक ऊतक भी एक प्रकार का प्राथमिक ऊतक है, ठीक है, प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है। चलिए अब तीसरे प्रकार के हम ऊतक की बात करते हैं और वो तीसरे प्रकार का जो विद्युतक ऊतक है वह है पार्श्वी विद्युतक ऊतक, ठीक है। तीसरे कौन सा है, पार्श्वी विद्युतक ऊतक। सीधी सी बात है कि पार्श्व भाग में जो ऊतक पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, पार्श्वी विद्युतक ऊतक। अब यहां पर अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये एक तने का एग्जांपल है और ये तने का जो बीच वाला भाग है और बीच वाले भाग के साइड में जो भाग होगा और यहाँ पर जो भाग जो ऊतक पाया जाएगा उसी ऊतक को हम लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्वी विद्युतक ऊतक कहते हैं। देखिए ये ऐसे विद्युतक ऊतक जो जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, ऐसे विद्युतक ऊतक जो जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं पार्श्वी या लेटरल विद्युतक ऊतक कहलाते हैं। क्या बता भाई कि ऐसे विद्युतक ऊतक जो जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं पार्श्वी विद्युतक ऊतक कहलाते हैं। इनका इनका विकास स्थायी ऊतकों के पुनः विभेदन के द्वारा होता है, अर्थात स्थायी ऊतकों के द्वारा इनका निर्माण होता है। स्थायी ऊतक में तो विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती लेकिन उनमें से कुछ कोशिकाएं ऐसी रह जाती है जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और यही कहना चाहिए स्थायी ऊतकों के द्वारा जिन टिश्यूज का फॉर्मेशन किया जाता है वही टिश्यू क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। अब आगे देखिए ये जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं। अब एक बात और थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा कि इनका विकास स्थायी ऊतकों के पुनर्विभेदन के द्वारा हुआ, इसका मतलब है स्थायी ऊतक किसके निर्माण को प्रेरित करेंगे, द्वितीय वृद्धि के। तो द्वितीय वृद्धि अगर हो रही है तो सीधी सी बात है कि ये पौधे की मोटाई में वृद्धि करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं, ये द्वितीय वृद्धि को प्रेरित करते हैं। जनरली ये द्वितीय ऊतक के रूप में पाए जाते हैं लेकिन कभी कभी ये जो है प्राथमिक विद्युतक ऊतक के रूप में भी पाए जाते हैं, द्वितीय और प्राथमिक दोनों के रूप में ये पाए जा सकते हैं। जब ये प्राथमिक रूप में पाए जाते हैं तब ऐसी अवस्था में ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पार्श्वी विद्युतक ऊतक, प्राथमिक पार्श्वी विद्युतक ऊतक जिसका एग्जाम्पल है अंतःपुली एधा, ठीक है, जिसका उदाहरण क्या है अंतःपुली एधा। वहीं पर द्वितीय पार्श्वी विद्युतक ऊतक, द्वितीय पार्श्विक विद्युतक
ऊतक का उदाहरण है अंतरापुलीय एधा जास्कार कैम्बियम। तो जहां पर पार्श्व विध्वस्तक ऊतक से तात्पर्य क्या है, ये ऐसे विध्वस्तक ऊतक जो जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, पार्श्विक विध्वस्तक ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, इनका विकास कैसे होता है, स्थायी ऊतकों के द्वारा होता है। तीसरी बात, ये द्वितीय वृद्धि को प्रेरित करते हैं। चौथी बात, ये पौधे के मोटाई में वृद्धि करते हैं। पांचवी बात कि ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये प्राथमिक मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी हो सकते हैं, प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी हो सकते हैं, या सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं। अगर मान के चलिए ये प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक पार्श्विक विध्वस्तक और दूसरा द्वितीय पार्श्विक विध्वस्तक ऊतक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने स्थिति के आधार पर विध्वस्तक ऊतक का वर्गीकरण देखा, आपने मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है उसके लोकेशन या पोजीशन के आधार पर देखा। इस आधार पर हमने एपिकल मेरिस्टेम को पढ़ा, इंटरकेंद्रीय मेरिस्टेम को पढ़ा और लेटरल मेरिस्टेम को हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लान ऑफ डिवीजन के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।